इंस्टेंशलाइज फिश मिल प्लांट तेमज स्क्विड फिश बॉइलिंग यूनिट अने खेतरों में दरियाई जीवात की सुकवणी ने कारण पवित्र सोमनाथ मंदिर तेमज आसपास विस्तार में असह्य दुर्गंध फैलाई है, जेने लईने स्थानिक होटल संचालकों द्वारा जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र पाठवामां आव्युं। दरियाई जीवातों की सुकवणी करवाना कारण दुर्गंध फैलाता सोमनाथ मंदिर दर्शनार्थे आवता दर्शनार्थीओ पण परेशान है। जीपीसीबी गैरकायदेसर फिश मिल प्लांट और खुला में थती सुकवणी सामे कोई कार्यवाही न थता जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। अमारो होटल उद्योग सोमनाथ हाईवे पर आवेलू है अने सोमनाथ हाईवे नी पासे अमुक अनधिकृत टाइपनी 5-7 स्टरलाइजेशन प्लांट काम करे छे, जे एकदम धाराधोरण विरुद्ध कार्य करे छे अने जे एटलू प्रदूषण फैलावे छे, जेमां खास करीने बहुत दुर्गंध जे ताजी माछली ने इंस्टंट बाड़ी नाखी ने बॉइलर ने मदद थी जेथी करीने अमारी होटलोमांथी यात्राळु आवेला होय छे, यात्राळुओ पैसा पाछा रिफंड मांगे छे अने भागी जाय छे, घणा दीव चाइला जाए, घणा जेने कहेवाय सासण चाइला जाए, अने अमने धंधानी अंदर एटलो मोटो फटको पड़े छे अने जो आनी अंदर जो पगला नहीं लेवामां आवे तो अमारो धंधानो मृत्यु घंट वागी जवानुं नक्की छे। सोमनाथ मंदिरनी जे पवित्रता छे एने पण नुकसान करे छे अने मंदिर सुधी पण अवारनी दिशा जो ए बाजू होय तो मंदिर सुधी पण माणसो व्यसन करी नाखे छे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर छे, ત્યાં આવતા યાત્રિકોને ભારે અતિ ભારેથી ભારે તકલીફ પડે છે, એટલી હદે દુર્ગંધ આવે છે કે માણસ નથી ફરી શકતો કે નથી સ્ટે કરી શકતો કે નથી જમી શકતો। એક વર્ષથી તો લોકો જીઆઈડીસીમાંથી નીકળી અને બહાર નેશનલ હાઈવે ઉપર જે કાચો માલ માછલીઓનો જે હોય છે એ સુકવણી ચાલુ કરી દીધી છે, જે બધા જુએ છે, તંત્ર જુએ છે, બધા લોકોને ખબર છે કે આ જે ગેરકાયદેસર રીતે સુકવણી કરે છે, પણ તંત્ર સફાળું ક્યારેય જાગ્યું જ નથી। આ બે વર્ષથી આટલો ત્રાસ છે છતાં તંત્ર કોઈ પગલાં લેતું